विक्रमगंज रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रेलवे के निजीकरण होने के खिलाफ छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर भभुआ पटना इंटरसिटी ट्रेन को करीब 20 मिनट रोककर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्र किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं। आक्रोशित छात्रों ने जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी ये जो सरकार आएगी छात्रों के हित में काम नहीं करेगा, हम पूरा एकदम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से जबरदस्ती हटाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा हमें टांग टांग के हटाया जा रहा है, लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग अपने जब तक हमारे आवाज़ को आगे तक नहीं पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर पूरा भारत बेरोजगारी में सबसे आगे चल रहा है। जब से छात्र विरोधी सरकार है, मोदी सरकार है, जब तक इसको हम लोग अगर रेलवे का निजीकरण किया जाएगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम लोग का मांग है रेलवे का निजीकरण बंद करिए। तेजस ट्रेन चालू हुआ, हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि उसमें कर्मचारियों की बहाली कब हुआ और उसमें कर्मचारी कहाँ से हुआ। पूरा भारत इसको जवाब को जानना चाहता है कि उसमें कर्मचारी कहाँ से आए। हाँ, उसका वैकेंसी कुछ पता ही नहीं चला किस आधार पर किया गया। ज़्यादा लड़कियों का उसमें चयन किया गया, उससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उसका चयन का प्रक्रिया क्या है और निजीकरण क्यों हो रहा है? निजीकरण से सबसे ज़्यादा उसमें के ज्वाइंट कर्मचारियों को भी परेशानी है या छात्रों को भी परेशानी है। हम लोग यहाँ रुको, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं और सरकार तक अपनी मांगों को पहुँचा रहे हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, जिससे छात्रों का भविष्य बहुत खराब हो जाएगा, उसमें ज्वाइंट कर्मचारियों का भविष्य खराब है। इसलिए हम मांग चाह रहे हैं सरकार से कि ये निजीकरण खत्म करें और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसमें किसी तरह का उद्दंडता वाला कुछ नहीं किया जाएगा। ये तेजस ट्रेन का विरोध है। आखिर तेजस क्यों किया? सुनने में आया कि 150 ट्रेन और 50 प्लेटफॉर्म भी करने का मांग किया जा रहा है, लेकिन क्यों किया जा रहा है? इससे गरीब मिडिल क्लास के बच्चों और गरीबों को काफ़ी नुकसान है और इसमें ज्वाइंट कर्मचारियों का भी नुकसान है।